जय श्री राम सभी को, मेरा नाम है शीरीष और स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में गाइस हमारे पास है मारुति सुजुकी जिप्सी। तो भैया ये जिप्सी आई कहां से, मॉडिफाई कहां से हुई, कितने पैसे लगे, सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले तो भैया आपको ये चीज बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने मन बना लिया था जिम्नी लेने का और सोच लिया था कि भैया इसको लेके लद्दाख जाएंगे, लेकिन जब फिर मारुति ने जिम्नी की प्राइस निकाली और डिसअपॉइंटमेंट लगी हाथ, क्योंकि यार इतना ज्यादा ओवर प्राइस लोगों को लगने लग गई। उसी के साथ जो डिजाइन एलिमेंट जिप्सी का था वैसा जिम्नी के अंदर अपन को देखने को नहीं मिलता, तो कई लोगों को जो है गाड़ी पसंद नहीं आई, वो भोकाल वाला लुक उसके अंदर नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए भैया आपके लिए आज लेकर आया हूँ जिम्नी की आधी रेट, बोलूँ नहीं भाई आधी भी नहीं, जिम्नी की आधी की भी आधी रेट के अंदर जो है आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाती है। तो कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, सबके बारे में बात करते हैं भाई। तो देखो सबसे पहले तो अगर बात कर लेना स्टेट वाइज, तो आपको ये देखना है कि आपके स्टेट में डिमांड कितनी है जिप्सी की। अब जैसे अगर मोटा मोटी अगर अपन बात करें राजस्थान या पंजाब की, तो राजस्थान में डेजर्ट होने की वजह से और पंजाब के अंदर शौक होने की वजह से जिप्सी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इसलिए रीसेल भी अगर आप स्क्रैप गाड़ी पर लेने जाओ तो भी भैया 2000 मॉडल के भी अपन से जो है 3-3 लाख रुपए लोग बाग मांगते हैं। तो भैया ये डिमांड है ऐसे स्टेट्स में जहां पर गाड़ी की डिमांड है, जैसे आप पठानकोट वगैरह की बात करें तो वहां पर काफी बढ़िया डिमांड है। लेकिन वहीं पर ही बात करें अपन जैसे ऐसे स्टेट्स वगैरह की जहां पर इतनी डिमांड नहीं है गाड़ी की, तो वहां पर आपको काफी बढ़िया स्क्रैप रेट के अंदर मतलब अंडर 1 लाख के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। तो भैया आप गाड़ी ले तो लोगे, लेकिन आप अगर चालू कंडीशन में लेते हो या फिर लेट सपोज आप जिप्सी ओन करते हो, तो एक डिसेंट मॉडिफिकेशन आप कितने रुपए में करवा लोगे उसकी आज हम बात करने वाले हैं। देखो भैया वैसे तो मॉडिफिकेशन की कोई भी सीमा नहीं है, मतलब शौक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर कितने पैसे डालो कम ही लगते हैं भाई। और अगर आपको डिसेंट मॉडिफिकेशन करनी, जैसे इस पर्टिकुलर गाड़ी की बात करूँ ना, तो इस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर लगे हुए हैं पूरे 4.5 लाख रुपए। अब 4.5 लाख रुपए में क्या क्या चीजें हुई है, क्या क्या चीजें नहीं हुई, उन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो भैया ये जो आप पूरी लाइट्स वगैरह गाड़ी की देख रहे हो फ्रंट से, पूरी गाड़ी की लाइट्स वगैरह चेंज है, पूरी लाइट वगैरह भी मैं जला के दिखाऊंगा। ये जो एक्स्ट्रा लाइट्स आप देख रहे हो हैलोजन बहुत ज्यादा पावरफुल है भाई, वो आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा गाड़ी का जो पेंट है, रीपेंट गाड़ी हुई है पूरी बढ़िया तरीके से, मारुति का पुराना वाला लोगो आपको जो है गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है। ईच एंड एवरी लाइट जो है इसकी अपन को जो है चेंज देखने को मिली है। और रजिस्ट्रेशन की अगर गाड़ी की बात करो तो 2012 का रजिस्ट्रेशन इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो वैसे अगर वैलिडिटी की बात करो तो वैलिडिटी भी इसकी काफी ज्यादा, एक तरीके से अगर 15 साल की पेट्रोल गाड़ी की माने तो वैलिडिटी अभी भी काफी ज्यादा अपनी बची हुई है इस गाड़ी की। उसी के साथ भैया बताते हैं जैसे हमेशा की तरह शुरू करते हैं चाबी से, तो कुछ ऐसी आपको इसकी चाबी देखने को मिल जाती है गाड़ी की। और गाड़ी की कंडीशन भैया बहुत ही ज्यादा गजब है। वैसे तो भैया पूरी कस्टमाइजेशन हो रखी है, गाड़ी पूरी कस्टमाइज हो रखी है, इसके अंदर ईच एंड एवरी मतलब सारे काम के फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। मतलब अगर ये वाली आपको अगर इस लाइट की बात बताऊं तो ये बहुत ही ज्यादा ब्राइट है और एक तरीके से जी वैगन वाला जो लुक आता है ना उस स्टाइल की इसके अंदर जो है लाइट आपको देखने को मिल जाती है। जैसे अगर मैं जला के दिखाऊं तो ये देखो भाई ये इसके सिर्फ डीआरएल ब्लिंक कर रहे हैं और क्या सुपर्ब लाइट इसके अंदर, एलईडी लाइट इसके अंदर जो लगा रखी है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया एक तरीके से लुक आपको प्रोवाइड कर देती है। उसी के साथ गाड़ी का मतलब देखो अपन ने 4-5 लाख रुपए गाड़ी के अंदर खर्च कर दिए, तो अपन को तो पता है कि हाँ भाई कर दिए, लेकिन अपन को पता लगाना हो कि यार भैया जो गाड़ी के 4.5 लाख रुपए लगाए हैं वर्थ है या नहीं है, तो वो अगर आपको दिखाने हो ना तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी इसको लेके चलेंगे सड़क पर, लोगों का रिएक्शन नोट करेंगे भाई, बहुत ही गजब रिएक्शन लोगों का जो देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ मतलब आप इसको, वैसे तो ये गाड़ी सॉफ्ट टॉप है, इसके अंदर आप चाहो तो हार्ड टॉप भी करा सकते हो। अब वैसे तो ये गाड़ी देखा जाए तो अभी 4 सीटर है, 2 सीटर एकदम ऊपर से कवर है और पीछे की जो 2 सीटर है वो ओपन है बिल्कुल आराम से अपनी। वैसे देखा जाए तो ये गाड़ी 6 सीटर आती है, मतलब अगर आप चाहो तो 6 सीटर पासिंग है इस गाड़ी की, 6 सीटर तक आप जो है इसको बना सकते हो। लेकिन इन्होंने जो है पूरा शौकिया रूप के लिए गाड़ी जो है एक तरीके से पूरी मॉडिफाई करी है, पूरी बनाई है, तो इसलिए इसको जो है 4 सीटर ही रखा है। यहाँ पर योकोहामा के आपको जो है टायर देखने को मिल जाते हैं, ऑल टेरेन टायर आपको देखने को मिलते हैं भाई। इसको पहाड़ों पर लेके जाओ, मिट्टी में चलाओ, रफ लेके चलाओ, मतलब आपको एक खास चीज बता दूं जिप्सी की, जिप्सी इतनी ज्यादा फेमस इसलिए भी और आर्मी में भी इसकी डिमांड इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि तो गाड़ी हल्की बहुत ज्यादा है। हल्की होने की वजह से कहीं पर चाहे डेजर्ट हो चाहे से ना अपनी ड्राई आइस हो, कहीं पर भी गाड़ी नहीं रुकती। अभी अपन गेट खोलते हैं, गेट खोलने के बाद भैया गेट तो इसके काफी ज्यादा पतले देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखो पूरा काम अंदर फैब्रिक और लेदर का कंबाइंड आपको देखने को मिल जाता है। एक मिनट देखो मैं आपको फ्लैश जला के दिखाऊं, अंदर जो है आपका एक्स्ट्रा आरपीएम मीटर वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है, मतलब इसका मीटर तक भी भाई पूरा कस्टमाइज कर दिया 4.5 लाख रुपए में। स्पेशल आरपीएम आपको मीटर पूरा देखने को मिल रहा है भैया, ये मीटर आपको देखने को मिलता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अंडर द हुड आपको क्या क्या चीजें और एक्स्ट्रा देखने को मिलती है, उन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन भैया ये देखो एसी के कंट्रोल्स और ये पूरा एसी वर्किंग आपको देखने को मिल जाता है, स्टीरियो आपको देखने को मिल गया, चाहो तो आप एलईडी स्क्रीन वगैरह भी लगा सकते हो, पर ओनर की इच्छा इसकी थी तो इसलिए ओनर ने ये लगा। और वैसे भी भैया जिनको ऑफ रोडिंग वगैरह करनी होती है उनको क्या ही मतलब, क्या ही लेना देना इन सब चीजों से। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता है, पूरा टॉप पूरा जो है आपका सॉफ्ट एक तरीके से देखने को मिल जाता है,
यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आप स्पीकर वगैरह लगा सकते हो, बूफर वगैरह रख सकते हो, जिससे बारिश में गीले ना हो। ये पीछे जो रियर का जो पार्ट है, यहाँ पर पूरा आपको देखा जाए तो टू सीटर देखने को मिलती है ये, लेकिन तीन जने भी आराम से बैठ जाते हैं, और खड़े होने के लिए भी यहाँ पर आराम से कभी रैली वगैरह में जाओ तो भैया उसके अलग से ही अपने एक जो है मज़े हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक का कैन देखने को मिल जाता है, मतलब आपको अगर कैन वगैरह रखना हो और सेफ्टी पर्पज़ आपको पेट्रोल वगैरह रखना हो या फिर एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करना हो, कहीं ऐसी जगह जा रहे हो कैंपिंग के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर भी पेट्रोल कई बार जरूरत पड़ जाती है आग वगैरह लगाने के लिए, तो इसलिए ज़रूरत पड़े तो आप इसमें कैरी कर सकते हो। यहाँ पर ये जो है आपको इसका हैंडल देखने को मिलता है, और हैंडल आपको खोल के बताता हूँ, थोड़ा सा नया तरीका है इसको, थोड़ा सा ये ऊपर से शायद खुलता है, यहाँ से खुलता है ये, तो यहाँ से इसका अपन ने खोला। और बूट भैया आपको मतलब इसके अंदर वैसे भी यार कौन ही सामान रख के लेकर जाएगा भैया, हो सकता है सामान वगैरह रखो तो उसके लिए आगे आपको स्पेस देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको सूटकेस वगैरह रखने हो तो आपको देखने को जगह नहीं मिलती। यहाँ पर आपको बैकलाइट देखने को मिल जाती है, ये पूरा ऊपर से आपको पूरा एंटीना और रॉड आपको जो है देखने को मिल जाती है भाई, और इसका एग्जॉस्ट आपको सुनाऊंगा ना भाई, मजे आ जाएंगे भाई आपको, वो भी सुनाऊंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन चलते हैं इंजन बे में, तो इंजन बे में आपको क्या कुछ खास देखने को मिल जाता है भैया, यहाँ पर आपको पूरा एक तरीके से तारों का झमेला देखने को मिलता है, इंजन आपको पेट्रोल का देखने को मिलता है, 80 हॉर्स पावर आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाती है, और 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है, 16 वोल्ट का आपको इंजन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आपको इस पावर रेंज के साथ कहीं लेके जाओगे इस गाड़ी को तो शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पर ये गाड़ी रुकेगी भाई, हल्की होने की वजह से कहीं से भी निकल जाती है, इसकी सबसे ज़्यादा खासियत बात है। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर जो एडिशनल तार वगैरह आपको दिख रहे हैं, जैसे गाड़ी के अंदर एयर कंडीशनर फिट कराया, पावर स्टीयरिंग गाड़ी को जो है बना दिया, जो कि अपनी नॉर्मल जिप्सी के अंदर नहीं आता। अब सुनाता हूँ इसकी वॉइस, लो गाइस ये इसका आरपीएम मीटर, एक बार रेव करते हैं हम, और आपके पास आरपीएम मीटर देखना क्या हुआ, प्रॉपर फील नहीं आया, चलो चलते हैं पीछे, और पीछे से सुनाता हूँ इसकी आवाज़। अभी तो भैया शुरुआत है, अभी तो लोगों का रिएक्शन भी बताना है, और चलते हुए भी आवाज़ सुनानी है, तो आवाज़ सुन के आपको लगेगा कि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट वगैरह लगा रखा है, लेकिन नहीं भाई, ये इसकी पूरी नेचुरल आवाज़ है। हालांकि इसके अंदर एक कुछ फिट जरूर कर रखा है, इसलिए इसकी आवाज़ ऐसे आ रही है भाई, बहुत ही शानदार आवाज़। ये जो जिप्सी है, ये जिप्सी आपको देखने को मिलती है 4 सिलेंडर इन लाइन, 1.3 लीटर का इसके अंदर आपको इंजन देखने को मिल जाता है, MPFI गैसोलीन इंजन आपको देखने को मिलता है, और जिस गाड़ी की कंपनी खुद 11.9 की, मतलब मारुति जैसी कंपनी क्लेम करे कि भैया हमारी गाड़ी 11.9 की एवरेज देती है, तो फिर वो क्या ही एवरेज देती होगी, मतलब अगर एवरेज की अगर रियल लाइफ की बात करूँ तो लगभग आपको 7 से 8 की एवरेज देखने को मिल जाती है, और कई बार 6 की भी। तो भैया आ गए हैं हम जिप्सी के अंदर, और आपको बताते हैं कैसा कुछ क्या फील आता है। देखो यहाँ पर जो लोग भागों का रिएक्शन है ना भाई, वो तो बहुत गजब का रहता है। एक तो हमारा ये ड्राइवर है, ऐसा कच्चा खिलाड़ी लिया है हम, जिसको चलाई जिप्सी पहली बार रहा है भाई। आजकल की गाड़ियाँ चलाना और पहले की गाड़ियाँ चलाना, उनमें रात दिन का फर्क होता है भाई। आजकल की गाड़ियाँ तो क्या है, काफ़ी ज़्यादा अपन जल्दी जल्दी गियर शिफ्ट कर लेते हैं, पहले की गाड़ियाँ गियर शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा लेट मांगती थी, क्योंकि गियर भी यार 4 ही आया करते थे, तो उस हिसाब से पहले गियर में अच्छे तरीके से खींचो, फिर दूसरे गियर में लो, तो मतलब वरना गाड़ियाँ स्टॉल हो जाती थी। आजकल तो RPM वगैरह, ये ECU वगैरह अपडेट वगैरह से क्या होता है, अपने आप ही RPM गाड़ी बढ़ा देती है। और ये भाई जिप्सी को देख के ऐसे बावड़े हो गए सारे के सारे कि ये स्कॉर्पियो निकाल लिए, 2 जिप्सी निकाल ली, और अभी सड़क पे लाके लोगों का रिएक्शन देख रहे हैं भाई क्या है क्या नहीं है। और भैया सही बता रहा हूँ, मैं अभी आपको लेके जिस जगह चल रहा हूँ ना, वहाँ पे आप लोगों का एक बार रिएक्शन देखना, मतलब वहाँ पे थोड़ी सी क्या है, थोड़ा सा भीड़ टाइप सी लगती है थोड़ी आसपास लोगों की। बाकी ये देखो, एक जिप्सी पीछे चल रही है, एक जिप्सी अपनी यहाँ पर चल रही है, और यहाँ पर स्कॉर्पियो चल रही है। भाई साहब इन गाड़ियों को लेने का तो जो ऐसे मज़ा है ना भाई साहब, ऐसे बहुकाल पूरा जो है टाइट हो जाता है। मतलब सोचो यार, 4-5 लाख रुपए की मॉडिफिकेशन करा के अगर आप 2.5-3 लाख की भी गाड़ी लेते हो, मतलब मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ 2.5-3 लाख रुपए, तो भैया क्या गजब का जो यहाँ पर फील आ जाता है। और ऐसे पीछे की तरफ लड़के खड़े हैं, यहाँ पर इसके अंदर ये स्कॉर्पियो चल रही है, मतलब यार एक तरीके से जो मज़ा आता है ना भाई, ये जो फीलिंग है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, ऐसे सहनशाह वाली फीलिंग जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। और बढ़िया यहाँ पर सारे लोग बाग खड़े हैं ऊपर, मतलब इसके अंदर सनरूफ की ज़रूरत ही नहीं है भाई, नेचुरली पूरी पीछे से ओपन है सनरूफ है। लो भाई मैं आपको एक बार ऐसे लुक और दिखा देता हूँ, क्या गजब का लुक आता है। अपनी 2 जिप्सी खड़ी है, बीच में स्कॉर्पियो खड़ी है, और भाई ये जो है, अब यार ऐसे गाड़ियाँ चले तो कौन नहीं दिखेगा भाई, मुड़ मुड़ के लोग बाग देखेंगे मुड़ मुड़ के। और ये काला घोड़ा, ये जो स्कॉर्पियो बीच में है, तो सबका सपना होता है भाई लेना, तो ये तो भाई मतलब एक तरीके से यार बहुत ही तगड़ा भोकाल जो है अपना टाइट हो जाता है। और अब बारी है प्रॉपर आपको जो है इसका एग्जॉस्ट सुनाने की, तो सुनिए। तो भैया 17-18 लाख रुपए के अंदर आपको जिम्नी से अपना शौक पूरा करना है 4x4 वाला, तो भैया उससे अच्छी तो ये है कि आप अपनी ये जिप्सी ले लीजिए 1.5-2 लाख रुपए के अंदर, और 3-3.5 लाख रुपए जितने भी आपको लगाने हैं उतने लगा के मैक्स टू मैक्स 4.5-5 लाख रुपए में भाई बहुत बढ़िया कस्टमाइजेशन गाड़ी का हो जाता है, तो वो लगा के और फिर ऐसा फील लीजिए, ऐसा भोकाल मचाइए। जो जिम्नी को अपन ने टैग दिया था मोस्ट अफोर्डेबल 4x4 का, तो वो टैग तो भैया जिप्सी को सीधा सीधा चला जाता है, क्योंकि यार इतनी बढ़िया एक तरीके से पूरा तैयार कराने के बाद भी 6-7 लाख रुपए के अंदर आप पूरी खरीद के कस्टमाइजेशन कराने के साथ साथ पूरी मॉडिफाई करा सकते हैं अपनी टेस्टफुली। वैसे
वैसे तो शौक की भाई कोई सीमा नहीं होती, चाहे वो जितना आप जो है इसके अंदर पैसा लगा दो, पर एक डिसेंट मॉडिफिकेशन की अगर बात करें जैसी आपको सामने दिख रही है वो आप 4 से 4.5 लाख रुपए के बीच में जो है कर सकते हैं। तो भैया इस वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो के अंदर, जब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद। और हाँ भैया एक बात बताना भूलिया, सब्सक्राइब तो कर लेना चैनल को, लेकिन उसी के साथ ये जो कंपनी है मारुति, आपको पता होगा, तो मारुति का ट्रस्ट आपको मिल रहा है, पार्ट्स आपको मिल रहा है, आपको जो है पता ही है कैसी सर्विस है, कितनी रीजनेबल सर्विस आपको मिल जाती है, कैसा सर्विस नेटवर्क है, कहीं पर भी चले जाओ कोई भी आपको जो है मारुति छेड़ने से मना नहीं करता, तो बस वो वाले एडवांटेजेस भी ले लीजिए, साथ साथ वही बात है।